तो चलिए दोस्तों, आज आपके लिए फिर एक और लेकर के आ गया हूँ जबरदस्त वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो 10,000 से कम की प्राइस रेंज वाले फ़ोन के बारे में होने वाला है, जो कि बेस्ट है वही बताऊंगा दोस्तों, वो भी 2022 का। दोस्तों काफ़ी बेस्ट फ़ोन है और ये फ़ोन आपके लिए काफ़ी बेस्ट होने वाला है, गेमिंग के लिए भी बेस्ट होने वाला है, डिस्प्ले के मामले में भी बेस्ट, बैटरी के मामले में भी बेस्ट। आपको 6000 mAh तक की बैटरी मिल जाएगी, अच्छी प्रोसेसर मिल जाएगी, गेमिंग प्रोसेसर, बड़ी डिस्प्ले मिल जाएगी, तो ये वीडियो काफ़ी बेस्ट होने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले बता दो दोस्तों कि अगर आपको कैमरा के लिए फ़ोन चाहिए तो आप कैमरा पे फोकस कीजिएगा, डिस्प्ले के लिए चाहिए दोस्तों तो डिस्प्ले पे ही फोकस कीजिए, और प्रोसेसर के लिए चाहिए तो प्रोसेसर पे फोकस कीजिएगा दोस्तों, गेमिंग के लिए चाहिए तो प्रोसेसर पर फोकस कीजिएगा दोस्तों। ऐसे दोस्तों सारे फ़ोन बेस्ट है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई भी फ़ोन ख़राब है, मैं सारे फ़ोन को ऐसे रैंकिंग किया हूँ तो आपको पता ही है कि जो टॉप वन पे होगा वो बेस्ट होगा। लेकिन दोस्तों मैं आप ही के लिए बता रहा हूँ कि अगर गेमिंग के लिए ही सिर्फ आपको फ़ोन चाहिए तो आप प्रोसेसर पे या फिर डिस्प्ले के लिए चाहिए तो डिस्प्ले पे, ऐसे सारे फ़ोन बेस्ट है। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो मैं क्या बताया हूँ दोस्तों कि सारी चीज़ पर फोकस करना है। और दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलता रहेगा दोस्तों। और दोस्तों मैं बता दूँ कि इसी तरीके का और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो का लास्ट तक जरूर जाइएगा दोस्तों, क्योंकि मैं तो लास्ट में ये भी बताऊंगा दोस्तों कि ये फ़ोन किसके लिए कौन सा फ़ोन बेस्ट है, तो मैं अपना ओपिनियन भी बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों करते वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों अगर मैं चौथे नंबर के फ़ोन की, चार फोन है दोस्तों, तो मैं चौथे नंबर की फ़ोन की बात करूँ तो चौथे नंबर पर रियलमी नार्जो 50 है दोस्तों, जो कि रियलमी का फ़ोन है, काफ़ी बेस्ट फ़ोन है दोस्तों। इसमें आपको एक डिस्प्ले मिल जाती है 6.5 इंच की HD+ की डिस्प्ले देखने को मिल जाता है दोस्तों, 90Hz रिफ्रेश रेट वाला, जो कि काफ़ी बेस्ट है। ये फ़ोन आपके लिए काफ़ी बेस्ट होने वाला है। ऐसे दोस्तों इसका अगर कैमरा की बात कर लेती है, कैमरा के मामले में बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको 50 MP का रियर साइड का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है, जिससे आप 1080p पे आप 30fps तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं दोस्तों, और सेल्फी में आपको 8 MP का देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ऐसे अगर डे वगैरह की बात कर ले इसके कैमरा परफॉर्मेंस की, तो काफ़ी बेस्ट है। दिन में अगर आप अच्छी तरीके से इसका इस फ़ोन से आप फोटो वीडियो कुछ भी आप शूट कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन रात के मामले में थोड़ा डाउन है। ऐसे सुपर नाइट मोड इसमें दिया हुआ है, स्लो मोशन भी दिया हुआ, बट थोड़ा डाउन है। तो ऐसे सारे कुछ ऐसे बेस्ट है दोस्तों। इसमें आपको बड़ी बैटरी की मिल जाती है। फिलहाल बात कर लेते हैं प्रोसेसर की, इसमें आपको एक गेमिंग प्रोसेसर मिल जाता है, MediaTek G80 का प्रोसेसर, जो कि काफ़ी बेस्ट है दोस्तों। और अगर इसकी बैटरी की बात कर लेते, इसमें एक बैटरी की नहीं दोस्तों बोले तो इसमें आपको एक इन्वर्टर देखने को मिल जाएगा, जो कि 5000 नहीं दोस्तों बल्कि 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगा, और उसे चार्ज करने के लिए 18W फास्ट चार्जर के साथ दोस्तों। इसमें आपको दोस्तों डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिल जाएगा। और दोस्तों इसका अगर आप 6+64 परचेज कीजिएगा तो 10,000 की प्राइस रेंज में मिल जाएगी दोस्तों। ऐसे अभी 11,000 रुपये है इसका प्राइस, लेकिन आपको 10,000 में मिल जाएगी, क्योंकि अभी सेल चल रहा है दोस्तों। तो काफ़ी बेस्ट ये फ़ोन आपके लिए होने वाला है, 6+64 का रियलमी नार्जो 50 है। फिलहाल अगले फ़ोन की बात कर लेते हैं तो दोस्तों मैं तीसरे नंबर पर रखा हूँ एक बेस्ट फ़ोन, जो कि है अपना, मतलब अगर आपको नॉन चाइनीज़ फ़ोन चाहिए, इंडियन फ़ोन ही चाहिए, तो ये फ़ोन आपके लिए काफ़ी बेस्ट होने वाला दोस्तों। ये है Macromax In 1। ये फ़ोन काफ़ी बेस्ट है दोस्तों, बोले तो ऑलराउंडर फ़ोन है दोस्तों। और इसको मैं ऑलराउंडर क्यों बोल रहा हूँ ये भी आपको पता चल जाएगा, आप वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। इसमें आपको एक बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 6.67 इंच की है। आपको अगर बड़ी डिस्प्ले चाहिए तो ये डिस्प्ले आपके लिए काफ़ी बेस्ट होने वाला, वो भी Full HD+ IPS इंडिफिनिटी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, और 5 होल कैमरा सेल्फी में इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बेस्ट है दोस्तों। इसमें भी आपको बैटरी काफ़ी बड़ी मिल जाती है, जो कि 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगा, और चार्जर 18W का मिल जाएगा दोस्तों। और इसका अगर प्रोसेसर की बात कर ले तो इसमें आपको गेमिंग प्रोसेसर मिल जाती है तगड़ी वाली, जो कि है MediaTek G85 का दोस्तों। ऐसे प्रोसेसर वगैरह सारे कुछ इंक्रीज होते जाएगा दोस्तों, और सारे कुछ भी बेस्ट होते जाएगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक, पूरे वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। इसमें आपको कैमरा भी काफ़ी बेस्ट मिल जाती है दोस्तों, रियर साइड में आपको 4 कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें से आपको बेस्ट मतलब मेन कैमरा मिल जाएगा 48 MP का, 5 का 1 और 2-2 MP का 2 और कैमरा देखने को मिल जाएगा दोस्तों। सेल्फी 5 होल कैमरा मिल जाएगा 16 MP का दोस्तों। ये फ़ोन 2 कलर में आते हैं, तो आप कोई सा ही परचेज कर लीजिएगा। आपको रियर साइड में फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा दोस्तों, डेडिकेटेड सिम स्लॉट है। और इसका अगर दोस्तों 4+64 परचेज करते हैं तो 9.5 हज़ार की प्राइस रेंज में मिल जाएगी, और वही दोस्तों अगर 4+128 की परचेज करते हैं तो आपको 12.5 हज़ार की प्राइस रेंज में मिल जाएगी। तो आप ये भी फ़ोन परचेज़ कर सकते हैं, बड़ी डिस्प्ले है, सारे कुछ बेस्ट है, बैटरी के मामले में भी बेस्ट है। लेकिन आपको अगर बैटरी के लिए इन्वर्टर चाहिए तो दोस्तों वही रियलमी नार्जो 50 ले लीजिए। आगे आगे और भी आपको बेस्ट फ़ोन मिलते जाएगा दोस्तों। तो फिलहाल बात कर लेते दूसरे नंबर की फ़ोन की बात, तो दूसरे नंबर पर मैं एक बेस्ट फ़ोन रखा हूँ दोस्तों, जो कि आपके लिए काफ़ी बेस्ट होने वाला है। ये है दोस्तों मोटोरोला की तरफ से एक फ़ोन, जो कि है Moto E40। इसका अगर दोस्तों डिस्प्ले की बात कर ले, इसमें आपको अच्छी डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि है
6.5 इंच की HD प्लस IPS LCD मैक्स विजन डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट इसमें आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और इसमें आपको एक तगड़ी कैमरा मिल जाती है, उससे भी एक तगड़ी चीज़ है जो नीचे सब्सक्राइब की बटन है, तो अभी तक आप लोगों ने अगर प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर दीजिए और लाइक का भी बटन प्रेस कर दीजिएगा। और इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है इसे दोस्तों तगड़ी वाली, और 22 मेगापिक्सल का दो और कैमरा पीछे की तरफ रियर साइड में देखने को मिल जाता है, और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है पंच होल दोस्तों। और इसमें आपको प्रोसेसर गेमिंग प्रोसेसर मिल जाएगा जो कि काफ़ी बेस्ट प्रोसेसर है, इसमें आपको यूनिसोस्टी 700 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जो कि गेमिंग के लिए काफ़ी बेस्ट है, गेम वगैरह के लिए इजीली आप गेम वगैरह खेल सकते हैं दोस्तों। और 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगा दोस्तों, और फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, डेडिकेटेड सिम स्लॉट है। और इसका अगर दोस्तों 4+64 परचेज कीजिएगा तो 9999 की प्राइस रेंज में मिल जाएगी, मीन 10000 की प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगी, अंडर 10000 की प्राइस रेंज में। तो ये फ़ोन भी आपके लिए काफ़ी बेस्ट होने वाला, तो ये फ़ोन भी आप देख सकते हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं टॉप वन की दोस्तों, अगर आपको दोस्तों टॉप वन पे नॉन चाइनीज फोन रखा हूं, अगर आपको नॉन चाइनीज फोन परचेज करना है तो ये फोन आपके लिए बेस्ट होने वाला। ये एक सैमसंग का फोन है दोस्तों, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी M12 दोस्तों। इसको मैं टॉप वन पे क्यों रखा हूं ये भी बताऊंगा, फिलहाल मैं ऐसे बता देता हूं कि आपको पता ही है कि सैमसंग अगर कोई सा भी फ़ोन लॉन्च करता है तो अपने प्राइस के अकॉर्डिंग सारे कुछ उसमें बेस्ट देता है, तो इसमें भी ऐसा ही सारे कुछ बेस्ट देखने को मिल जाएगा। और इसका अगर दोस्तों हम डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, इसमें आपको 6.5 इंच की HD प्लस इंडिफिनिटी भी डिस्प्ले मिल जाता है दोस्तों, और 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ। इसका अगर दोस्तों प्रोसेसर की बात कर लेते हैं, इसमें भी आपको गेमिंग प्रोसेसर मिल जाएगा, गेमिंग वगैरह आप इजीली खेल सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको एक्सोनस 850 का देखने को मिल जाता है प्रोसेसर, जो कि काफ़ी बेस्ट है गेमिंग के मामले में भी। और बैटरी भी इसमें आपको बैटरी नहीं दोस्तों इन्वर्टर देखने को मिल जाएगा, जो कि ये भी है 6000 mAh की, लेकिन इसमें आपको चार्जर थोड़ा डाउन मिल जाएगा, उसे चार्ज करने के लिए 15W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। ऐसे 15W भी ठीक ठाक ही है, तो सेमी ऐसे है। और इसका अगर कैमरा की बात कर लेते हैं, इसमें आपको रियर साइड में एक बेस्ट कैमरा देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जो कि काफ़ी टॉप लेवल की कैमरा। आपको पता ही है कि सैमसंग का कैमरा कितना बेस्ट होता है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद ही पता होगा। इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का रियर साइड की मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा, और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा। तो आपको ऐसे पता ही है कि सैमसंग की मोबाइल है तो सिक्योरिटी कितना हैवी होता है सैमसंग की मोबाइल के, जो कि मैं बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको खुद ही पता है दोस्तों। इसमें आपको इसका अगर दोस्तों 4+64 आप परचेज करते हैं तो आपको 11000 की प्राइस रेंज में मिल जाएगी, अभी ऐसे सेल चला तो 10000 के अंडर में इजीली मिल जाएगा दोस्तों, तो आप परचेज कर सकते हैं। ये भी फ़ोन काफ़ी बेस्ट है, ऐसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे फ़ोन का दिया हूं, तो वहां से भी आप कोई सा भी फ़ोन परचेज कर सकते हैं दोस्तों। और इसका ऐसे मैं दोस्तों आपको अपनी तरफ से एक सजेशन देना चाहता हूँ, अगर दोस्तों आपको एक बड़ी डिस्प्ले चाहिए, अच्छी डिस्प्ले चाहिए, तो आपके लिए काफ़ी बेस्ट ये फ़ोन है दोस्तों, जो कि मैक्रोमैक्स का और इंडियन फ़ोन है, तो ये भी फ़ोन काफ़ी बेस्ट है। आपको इसमें बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है, 6.67 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है। अगर आपको अच्छी बैटरी वाली फ़ोन चाहिए दोस्तों, और सब चीज़ भी बेस्ट वाली चाहिए, तो आप रियलमी नार्जो 50 ले लीजिए, इसमें भी 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाता है, मीडिया टेक G80 का प्रोसेसर मिल जाता है दोस्तों। ऐसे मैक्रोमैक्स इन वन में आपको G85 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, तो आप कोई सा भी फ़ोन ऐसे परचेज कर सकते हैं, सारे फ़ोन ऐसे बेस्ट है दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी, अगर हेल्प मिली है तो अभी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो अगर अभी तक नहीं किया हो। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा जय हिंद। और दो वीडियो है, दो या तीन वीडियो होगा दोस्तों, उसमें से आप कोई सा भी एक वीडियो पर क्लिक कीजिए और भी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं।